ने लास्ट टाइम हमने सरफेस टेंशन की थ्योरी की थी सैटरडे को जब लास्ट टाइम हम मिले थे एक स्लाइड पेंडिंग थी हमारी आपकी थ्योरी की बुकलेट में ओपन कर सकते हो लास्ट पेज यही है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप एक नीडल है या एक डिस्क है या एक रिंग है पानी पे पड़ा हुआ है और आप उसे उठा रहे हैं आपने नोट किया होगा जब आप प्लेट को पानी से ऊपर उठाते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगती है क्यों पानी चिपक जाता है और आप उसको भी उठाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी उसका रीज़न बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल स्टिक कर जाएंगे लोअर प्लेट डिस्क से तो जब आप मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो वो चिपके होंगे प्लेट के साथ तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है तो कितनी लगानी पड़ती है मान लो एक नीडल है जिसकी लेंथ एल है एल एंड एल और इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है आपको इसको उठाने के लिए इसका वेट जितनी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी डब्ल्यू प्लस सरफेस टेंशन इंटू लेंथ क्या होती है फोर्स तो सरफेस टेंशन टी और कितनी लेंथ के ऊपर एल और एल 2L तो 2L into T एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इसमें ज्यादा समझ में आएगा जैसे एक डिस्क है और जिसका इनर रेडियस R1 है आउटर रेडियस R2 है जो आप इसे उठाएंगे तो वेट जितनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी साथ में इनर सर्कमफ्रेंस कितना है 2πR1 और फोर्स कितनी लगेगी क्योंकि सरफेस टेंशन की फोर्स अंदर भी लगेगी और बाहर भी लगेगी तो अंदर लेंथ कितनी है 2πR1 into टेंशन T प्लस 2πR2 into टेंशन T तो अंदर और बाहर की टोटल लेंथ क्या होगी 2πR1 प्लस R2 into टेंशन T प्लस वेट W तो इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी तो अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अलग अलग शेप मिलेगी आपको जैसे एक रिंग है रिंग की थिकनेस नेग्लिजिबल है तो अंदर का रेडियस भी R है और बाहर का रेडियस भी R है तो पिछले एक्सप्रेशन में जहां R1 और R2 था वहां R और R पुट कर दो दैट इज 2πR अंदर का सर्कमफ्रेंस है 2πR बाहर का सर्कमफ्रेंस है तो टोटल कितना होता है 4πR into T ये सरफेस टेंशन की फोर्स है और प्लस वेट W अगर एक डिस्क है डिस्क के अंदर तो कुछ नहीं है वो तो मटेरियल है तो साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 2πR into T इतनी सरफेस टेंशन की फोर्स है वेट तो है ही है नेक्स्ट है स्क्वायर फ्रेम है स्क्वायर फ्रेम में क्या होगा अंदर की लेंथ 4L है बाहर की लेंथ 4L है तो अंदर भी सरफेस टेंशन है बाहर भी सरफेस टेंशन है कुल मिला के कितनी लेंथ है 8L into T है और प्लस वेट कितना है W तो ये तो फोर्स लगेगी नेक्स्ट जैसे ये सेम है स्क्वायर फ्रेम स्क्वायर प्लेट है प्लेट अंदर से मटेरियल है तो लेंथ सिर्फ 4L है तो 4L into T तो ये मैंने एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर कोई चीज उठा रहे हैं एक लिक्विड की सरफेस से तो क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सब्जेक्टिव शीट नंबर 33 सब्जेक्टिव शीट नंबर 33 अगर है तो कोई ठीक है नहीं तो यही क्वेश्चन करवाना यहीं से देख लो क्वेश्चन है टू स्फेयर ऑफ सोप बबल्स कंबाइन होते हैं बबल्स कंबाइन होते हैं और हमने लास्ट लेक्चर में किया था जब बबल्स कंबाइन होते हैं और अगर मान लो आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और वैक्यूम में कंबाइन होते हैं तो P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P into V का फॉर्मूला लगता है या बबल्स कभी भी कंबाइन होंगे तो हर बार यही फॉर्मूला लगेगा P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल टू P into V तो यहां से वो कह रहे हैं अगर बबल कंबाइन होते हैं तो V इज चेंज इन वॉल्यूम तो वॉल्यूम कितना चेंज हो जाता है एयर का V और A इज चेंज इन सरफेस एरिया आपको प्रूव करना है दिस टर्म इज इक्वल टू 0 वेयर P0 इज एटमोस्फेरिक प्रेशर ये क्वेश्चन है ठीक इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला पॉइंट कि बबल्स या बबल किसी भी एक बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है P1 - P0 इज 40 बाय R ये किया था हमने लास्ट टाइम P1 अंदर का प्रेशर है बबल का -P0 एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 40 बाय R बबल का रेडियस R1 है एटमोस्फेरिक P0 है और अगर ये वैक्यूम में होता तो P0 क्या हो जाता 0 ठीक है वैक्यूम में नहीं है तो P1 - P0 इज 40 बाय R1 सिमिलरली सेकेंड बबल के केस में P2 - P0 इज 40 बाय R2 और नए बबल के केस में P - P0 इज 40 बाय R
तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, बबल्स कंबाइन हो रहे हैं तो पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू इज इक्वल टू पी इन टू वी, इसका फॉर्मूले में पुट करें और देखिए आंसर क्या आएगा। तो इसमें बबल जब कंबाइन होंगे तो पी वन वी वन पी टू वी टू पी इन टू वी, पी वन की जगह पी नॉट प्लस 40 बाई आर वन, और सीधा ये मत लिखना, सीधा वॉल्यूम की जगह 4 बाई थ्री पाई आर वन क्यूब, पी टू 4 बाई थ्री पाई आर टू क्यूब और पी 4 बाई थ्री पाई आर क्यूब। प्रूफ ये करना है, ठीक। तो ये वैल्यूज पुट की इसमें, यहां से इसे ओपन करो, पी नॉट वाली टर्म को कॉमन निकाल लो, वॉल्यूम का सेम नहीं होता, प्रेशर भी चेंज हो जाता है ना, क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, सिर्फ वॉल्यूम का नहीं, ठीक। तो इसे ओपन करें, जब ओपन करेंगे और पी नॉट जब कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म आएगी, और दूसरी बची हुई टर्म में से 40 बाई थ्री कॉमन आएगा तो ये टर्म बचेगी, चेक कर लो। ओपन करें, तीन टर्म में से 40 बाई थ्री कॉमन आ रहा है, तीन टर्म में से पी नॉट कॉमन आ रहा है, जब पी नॉट कॉमन आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम वी, इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन सरफेस एरिया ए, और एलसीएम लेके आपको जो प्रूव करना आंसर आ जाएगा, ठीक। बाकी सिंप्लीफिकेशन है।